नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की। तो हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, लेकिन हाल ही में जो है स्वच्छ भारत मिशन 2 की हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से ये स्वच्छ भारत मिशन 2 जो है चर्चा में आ रहा है, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो JMP रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से भारत ने यहाँ पे, अगर बात की जाए जिन जिन एरियाज में काम किया है और किस तरीके से यहाँ पे प्रगति हो रही है, उस दिशा के बारे में। तो हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी SBM 2 के दूसरे चरण की योजना निर्माण और कार्यान्वयन के मूल्यांकन तथा इसमें तेजी लाने के लिए एक समीक्षा सह कार्यशाला का आयोजन किया। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की अगर हम बात करते हैं, तो एक पहला जो फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोग्राम है, जहां पे जो प्रिंसिपल है, जो मेजर प्रिंसिपल रखा गया है, जन भागीदारी, यानी लोगों का यहाँ पे बहुत जरूरी है कि लोग मिले और लोग मिलकर एक तरीके से जो स्वच्छता के लिए एक लड़ाई लड़े। तो वर्ष 2022 के लिए अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड द्वारा जल साफ सफाई और स्वच्छता पर संयुक्त निगरानी कार्यक्रम द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट के बाद खुले में शौच का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। तो इस रिपोर्ट की अगर बात करें, तो इसमें बताया गया है कि भारत में जो कुल आबादी के लगभग 17% लोग जो है खुले में शौच करते हैं। तो ये बहुत ही, अगर अभी भी देखा जाए, जैसे कि भारत का जो ये मिशन है काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन अब भी आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि पूरी तरीके से जो भारत में एक तरीके से हम डेफिकेशन फ्री नहीं हो पाए हैं। तो अब भी ऐसा अगर हो रहा है, तो किस तरीके से जो अभी सरकार के सामने, लोगों के सामने चुनौतियां हैं, तो वहां पे इन पे काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए, ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है? ODF मतलब किसी भी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित अथवा घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया गया। वहीं ODF प्लस तब किया जाता है, ये दर्जा तब प्रदान किया जाएगा जब दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच और पेशाब करते हुए नहीं पाया गया तथा सभी समुदाय के एवं सार्वजनिक शौचालय अच्छी तरह से बनाए गए। वहीं पे ODF प्लस प्लस की अगर हम बात करें, ये दर्जा तब दिया जाता है जब कोई क्षेत्र पहले से ही ODF प्लस की श्रेणी में आता हो और जो मल, कीचड़, सेप्टेज तथा सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं उपचारित किया जाता है, जिसमें अनुपचारित मल, कीचड़ और सीवेज को खुली नालियों, जल निकायों और अथवा क्षेत्रों में जो हम बात कर रहे हैं, छोड़ा या डंप नहीं किया जाता। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी की, तो शहरी क्षेत्रों में जो साफ सफाई, स्वच्छता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी शुरू किया गया था। जो उद्देश्य यहाँ पे रहा वो था पूरे भारत के शहरों और कस्बों को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो पहला रहा, उसका पहला चरण शौचालयों तक पहुंच प्रदान कर गया, व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देकर शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था। लेकिन व्यवहार बहुत जरूरी है, बिहेवियरल चेंज लोगों में लाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वो चैलेंज रहा था वो यही था कि किस तरीके से इन पूरी गतिविधियों को देखा जाएगा। वहीं पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी एक अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा और 100% शहरी भारत को ODF घोषित किया गया। वहीं पे जब स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 यानी 2 की बात करते हैं, जो कि 2021 से 26 तक है, तो वर्ष 2021 22 के बजट में घोषित SBM 2 इसी योजना के पहले चरण की निरंतरता है। तो इसके दूसरे चरण का लक्ष्य ODF के लक्ष्यों के साथ ही ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तथा शहरों, जो शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
तो इसमें जो है जो स्थायी स्वच्छता के प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तो किस तरीके से क्या उपलब्धियां यहाँ पे रही हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें उपलब्धियों की, तो खुले में शौच से जो मुक्त है ODF यानी शहरी भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया है। सभी 4,715 जो जो शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज हैं पूरी तरीके से जो है ODF हो गए। और वहीं पे लगभग 3547 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत और स्वच्छ जो सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय की सुविधा के साथ ODF प्लस की श्रेणी में है। तो ये जो नंबर है अगर इन नंबरों को देखें तो ये नंबर काफी बड़े हैं। और उसी तरीके से जो 14 यहाँ पे जो शहर है यानी 14 सिटीज को सर्टिफाइड वाटर प्लस यानी यहाँ पे अगर हम बात करें 14 शहर वाटर प्लस प्रमाणित है, जिसका अर्थ है कि यहाँ अपशिष्ट जल का उपचार और इसका जो इष्टतम पुण्य उपयोग किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें वेस्ट प्रोसेसिंग की, देखिए वेस्ट प्रोसेसिंग जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 97% वार्डों में 100% डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण और देश के सभी जो ULB में 90% से अधिक वार्डों में नागरिकों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। और कचरे के स्रोत पर अगर हम बात करें तो कचरे का स्रोत जो है वहीं पे सेग्रीगेशन और वेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितने लोग सेग्रीगेशन करते हैं, जिस तरीके से बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है वो बहुत जरूरी है। और ये जो आंकड़े हैं वेस्ट प्रोसेसिंग के ये जो है 4 टाइम ज्यादा हो गए हैं। अगर 17% 2014 में था तो हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि ये 75% हो गए। वहीं पे शहरों को अगर गार्बेज फ्री सिटी बनाने की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 2018 में अगर हम बात करें जबकि गार्बेज फ्री सिटिंग स्टार रेटिंग लॉन्च हुई थी और यहाँ पे ये बढ़कर अभी जो है जिस तरीके से आंकड़े देखे जा रहे हैं तो पहले वर्ष में केवल लगभग 56 शहरों में बढ़कर अब तक जो है 445 यानी अगर आप नंबर देखें किस तरीके से जो पहुंच है वो ज्यादा बड़ी है तो ये एक बहुत बड़े आंकड़े हैं। वहीं पे 2023-24 के बजट में जो है सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में निर्माण की जो भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया गया है। बात करें JMP की रिपोर्ट की तो क्या कहती है ये रिपोर्ट। देखिए खुले में शौच के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि भारत में 17% ग्रामीण आबादी अभी भी खुले में शौच करती है। तो ये नंबर देखने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात करते हैं तो भारत में 1/4 ग्रामीण आबादी के न्यूनतम बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। और वहीं पे जो है सरकार को काम करना होगा। और सैनिटेशन फैसिलिटीज की हम बात करते हैं तो घर घर में उन्हें पहुंचाना जो है एक तरीके से जो है मुख्य कार्य रहेगा। और वर्ष 2015 के बाद से जो प्रोग्रेस देखी गई है वो बहुत ज्यादा है। और वर्ष 2015 में लगभग 41% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी जो कि वर्ष 2022 में घटकर 17% रह गई। स्वच्छता सुविधाओं के संदर्भ में वर्ष 2015 में 51% घरों में न्यूनतम बुनियादी स्वच्छता थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 75% हो गई। और खुले में जो शौच के आंकड़ों में जो गिरावट का दर है उसके बारे में अगर बात करें तो भारत में खुले में जो शौच के आंकड़ों में लगभग लगभग देखा गया है कि 3.39% की वार्षिक औसत गिरावट दर्ज की गई है। तो ये नंबर अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं जैसे कि हमने बात करा 17% ग्रामीण आबादी जो कि अभी भी खुले में शौच करती है तो यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और यदि ये गिरावट दर जारी रहे तो खुले में जो शौच मुक्त स्थिति हासिल करने में लगभग 4 से 5 वर्ष लगेंगे। तो खुले में शौच के स्थान पर शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन के महत्व पर यहाँ पे बल देना होगा। लोगों में एक बिहेवियरल चेंज लाना बहुत जरूरी है जहाँ पे उन्हें जागरूक किया जाए टॉयलेट यूजेज के बारे में। और वहीं पे जो है ODF स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए शौचालयों के उपयोग के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन की दर निर्धारित करना और उसे मापना बहुत जरूरी है।
इसके अनुमूलन की दिशा में कार्य पर खुले में शौच के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करना, जिस तरीके से जो हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं उन पे जोर देना बहुत जरूरी होगा, और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता प्रथाओं की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। और JMP रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं मील के पत्थर के रूप में, भारत में ODF का पूर्ण मूल्यांकन करना और खुले में शौच को संबोधित करना तथा स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए व्यापक उपाय करने बहुत जरूरी है। इसी के साथ अंत करेंगे हम इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।